तो चलो गाइस वानी दिखाएगी कैसे लेते हैं यहाँ पे खुद कोक उठाते हैं। वो हम इंस्टाग्राम पे रील नहीं देखते, ऐसे हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं अलग अलग चीज में। बहुत सारे तरीके के आते हैं, गोडे में मार मार के बनाते हैं इसको, गोडा चीज है ये। हम लोग फाइनली आ चुके हैं चार्ज चंडी के सिटी से, अबाउट हाफ एन आवर दूर और हमारे घर से 15 मिनट दूर। तो अब मेरे अब वानी ने जो चीज लेनी थी वो मिली नहीं, अब मैं देखूंगा। मेरे को ना एक शूज लेने बड़े टाइम से, बट शायद सही लूंगा, मेरे को पक्का नहीं है क्योंकि खर्च करने का मन नहीं। देख के आएंगे, अच्छे लगे तो ले लेंगे, नहीं अच्छे लगे तो नहीं लेंगे भाई। इधर सिर्फ लड़कियों के ही सीक्रेट्स मिलते हैं, लड़कों के नहीं मिलते। तो शॉपिंग मेरे को करनी थी, यहाँ बैठा दिया, इसमें से क्या लूँ मैं भाई, अब लेडीज है सारा। मैं इसको बोल रहा हूँ चल ले, दुकान बंद हो जाएगी 6 बजे, 6 बजे बंद होगी, ठीक है। एंड इट्स 5:30, कह रही कि नहीं मेरे को तुम्हें थोड़ा सा और देखना है, यहाँ पे देखना है। देख मानेगी नहीं, तो मेरे को जाना है अलेक्जेंडर मैकक्वीन, और वानी की भी शॉप साइड में मिल गई इसको। वाह भाई, मेरे को ये वाले लेने हैं, अच्छे लग रहे हैं, ये भी अच्छे लग रहे हैं। तो भाई जो मैंने जूते देखे जो मेरे को पसंद है वो ना थोड़े से अनकंफर्टेबल लग रहे थे मेरे को ना, ऐसे चुप से, क्योंकि मेरे को फ्लैट फुट है तो मेरे को थोड़ा से शूज देख के लेने पड़ते हैं। तो उस भाई ने बोला ये ना अल्ट्रा हाई क्वालिटी लेदर है, तो फिर उसके बाद ये धीरे धीरे करके लूज हो जाएगा। मैंने कहा तेरी बात ठीक है, अभी हम वॉशरूम ढूंढ रहे हैं वैसे। हाँ उस साइड है शायद, इधर है। मैंने कहा अभी हम लोगों को थोड़ा सा टाइम दे, मैं देख के आता हूँ, क्योंकि वो शूज एक्सपेंसिव है, $900 के शूज है वो। तो भाई घर जाएगा मेरा उसमें, पर कंफर्टेबल तो मिले है ना, इतने पैसे खर्च कर रहे हो कंफर्ट तो मिले। इसकी नजरें देखो कहाँ जाती है, ठीक है, इधर इधर उधर ही, और इधर है वॉशरूम। भाई शॉपिंग मेरे को करनी है, और देखो कौन कर रहा है, एज ऑलवेज व्हाट मैन, मतलब मैं आई डोंट एग्जिस्ट, करवाऊंगी ना अभी तुम्हारे। हाँ हाँ भाई, बचपन में H&M हम लोग इतना खरीदते थे, यहाँ तो ऐसा लग रहा है रंग उड़े हुए सारी चीजों के। देखो कैसे झोल खा रही है टी शर्टें, अच्छा लग रहा है H&M, नहीं ना। और लड़कियों में ना ऑप्शन ज्यादा होते हैं, लड़कों में वही घिसे पीटे कलर। हाँ लड़कियों के लिए अच्छा है ना, हमारे में तो घिसे पीटे चीजें बेच रहे हैं। ये भी अगर थोड़ी डार्क होती तो अच्छी लगती, बट ये खराब, मतलब ये कपड़ा क्वालिटी भी ऐसे ही है। तो भाई फाइनली हम लोग ग्रोसरी करने आ गए, क्योंकि भाई नहीं घर के अंदर कुछ लेना ही पड़ेगा। सारी सब्जियां भाई शाम के करीबन 7:18 हो गए और सब खत्म हो रही, सारी सब्जियां लुट फुट गई, कल लगाएंगे सुबह सुबह, बंद कर रहे हैं दुकान अभी। ग्रीन एप्पल खाओगे? नहीं मैं नहीं खाता। तो फिर भाई डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर मैं कह रहा हूँ एप्पल अ डे कीप्स डॉक्टर अवे, मेरा मैं एप्पल खा नहीं सकता, सेंसिटिविटी इतनी हो रही है ना, दर्द होता है मेरे को, एप्पल खाता दांत खराब है, प्याज नहीं है घर में। ये सब मेरे को याद रहता है क्या क्या लेना है। ये देसी प्याज है, फिर इसको स्पेनिश अनियंस और रेड अनियंस बोलते हैं, और ये यहाँ के प्याज है, ये ब्राउन अनियंस है, वाह ये रेड ये ब्राउन। और भाई वानी ले रही है टर्की, वानी टर्की भी खाती है हमारी। कहाँ है टर्की, टर्की किधर है, किधर है टर्की, किधर है टर्की भाई, टर्की भाई किधर, टर्की भाई हैम है इधर, हैम नहीं खाते, ये सब कुछ लगा हुआ भाई गंद मंद, मतलब यहाँ खाते हैं लोग, हम नहीं खाते भाई। यहाँ पे बेकन बड़ा पॉपुलर होता है, बेकन भी नहीं खाते हैं, टर्की यही होती है, टर्की भाई आउट ऑफ स्टॉक लग रहा है भाई। गार्लिक ब्रेड मस्त होती है, स्नैकिंग के लिए ओवन में डाल दो, मस्त खाओ इसको। और क्या लेना, चिपोटले चिकन, हवा बहुत ठंड लग रही है ना। हाँ। चीज में बहुत सारे तरीके के आते हैं, ये गोडे में मार मार के बनाते हैं इसको, गोडा चीज है ये वाली ले लेते हैं हम लोग, लाइट चीज ये अच्छी है। नाइस, तो भाई ये है गोट चीज, ऐसा लग रहा है गोट की मेमड़ी से बना रखा है, और ये गोट चीज है। अब जिस लोगों को मेमड़ी नहीं पता भाई बता दो कमेंट सेक्शन में, मेमड़ी क्या होती है, मेमड़ी होती है जो बकरी और गोट नहीं करती पोटी, काली कलर की छोटी छोटी, और गैस्मिक जगह तो यही है भाई। वाओ, पर मैं भूल गया मैं जिम जा रहा हूँ रेगुलर, चलो छोटी सी ले लेता हूँ, ये ले लेता हूँ, इसके अंदर 5 है, मस्त होती है चॉकलेट खा के देखना। तो भाई हम लोगों ने पूरी पेटी ले ली इसकी, क्योंकि ये टमाटर कटे हुए होते हैं, और मेरे को ना चाकू से टमाटर काटने बहुत इरिटेशन होती है, तो इसलिए पूरी हमने उठा ली। ये हमारी ग्रोसरी हो रही है, अभी थोड़ी सी और बची है, ये ले ली ना, पहले ही रख ली वानी ने। तो भाई हमारा इतना सारा सामान आ गया पूरे $120 का, ₹6,000 का, 2 हफ्ते की ग्रोसरी होगी, 2 लोग है ना, सारा का सारा उठा लिया। मैं और वानी ना शॉपिंग कर लेते हैं 1-2 हफ्ते में एक बारी। तो हाँ इस बारी मैंने ज्यादा कुछ दिखाया नहीं ग्रोसरी के अंदर, मैं कहा हर बारी सेम होता है, इफ यू वांट कि मैं दिखाऊं बारी बारी की भाई, अच्छा इंडिविजुअल ये भी चीज है, इसका प्राइस इतना है, तो फिर उसकी ना अलग वीडियो, जैसे हाँ इफ यू नीड कंपैरिजन की कहाँ से शॉपिंग करनी चाहिए, कहाँ से क्या चीज अच्छी है। जैसे हम लोग चिकन कोल्स पानी खाते हैं वो बहुत बेकार है, उसमें बदबू आती है। हाँ तो हम चिकन, तो ऐसे करके पर्सनल हमारे एक्सपीरियंस, कहाँ पे सस्ती चीजें मिलती है, स्टूडेंट के लिए क्या बेस्ट रहेगा, इफ यू नीड अ कंपैरिजन वीडियो एज वेल डू लेट मी नो। और ग्रोसरी बने एक प्रॉपर पूरी एक वीडियो बन जाती है। ये बाल लगा हुआ मेरे फोन में, और मौसम देख लो कैसा हो रहा है, 7:40 हो रहे हैं, और मौसम देखो कैसा हो रहा है। वो हम इंस्टाग्राम पे रील नहीं देखते, ऐसे हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं अलग अलग लोकेशन पे, हम ये ट्रॉली पकड़ के चल रहे हैं, और गिर जाएगा पानी। अब हम इस भाई को अपने दोस्तों के पास भेज देंगे, जा जी ले अपनी जिंदगी,
वेरी नाइस, वो ठोक दिया भाई। तो भाई बंद हो रही है तो सबने ही रखी हुई है, हमने भी रख दी। तुषार भाई आप ढंग से इसको एली में नहीं लगा रहे, तो भाई एली यहाँ पे है ही नहीं है, बट वो है उधर 10 किलोमीटर दूर, हमने यही डाल दी, गाड़ियाँ खड़ी है। तो भाई डिलीवरी वाले बैग में भर लिया हमने सब कुछ और मानी भी लेके जा रही है, सारी ग्रोसरी हो गई हमारी 2 हफ्ते तक ग्रोसरी। अब बोलूंगा ही मैं ग्रोसरी करनी है उनको, बस इंडियन ग्रोसरी से मैगी उठा के लानी वो रहेगी थी, वही तो सारा है स्टूडेंट का है ना वानी। नहीं बनाती हो? हेलो मिस्टर वानी, हाउ आर यू डूइंग? मिस्टर मिसेस वान, मिस वानी, यो मिस्टर डैग्स, नॉट बैड, मिसेस डैग्स, उल्टा हो गया, ये क्या हो गया? तो भाई ये दिस इज द नेक्स्ट डे, हम लोग पठान देखने के लिए आए हैं, ठीक है, काफी सारे लोग, तुषार भाई देखो ऑस्ट्रेलिया में एक्सपीरियंस दिखाओ मूवी देखने का कैसा होता है, तो फिर हमने बुक करती भाई वेले बैठो शरीफों की तरह के टिकट खरीदते हैं हमेशा, नहीं तो बगैर टिकट के घुस जाओ, ये घुसता है बिना टिकट कहीं नहीं घुसा मैं। कौन सी है वो? सबसे ऊपर रुक जा देखते हैं, बार दीवार पे लिखा है L2 पे है, L2 है ही नहीं भाई, हमको L2 जाना, L2 ही नहीं पीछे बोला बेटा। भाई फाइनली आ गए हम लोग यहाँ पे, और यहाँ पे ना मतलब यहाँ पे कोई चेक करने वाला होता नहीं है इतनी रात को, आप लोग ऐसे भी वॉक इन कर सकते हो बिना टिकट के, लोग करते हैं पर अपन नहीं करते, हमने ले रखी 3 टिकट, दिखाऊं ये रही 3 टिकट, इसी बेन एंड जेरीज की आइसक्रीम खाई थी जो मैंने 2016 में खाई। अच्छा अच्छा ठीक है मैं आई हुई है वानी पर, सबको पता है। तो चलो गाइस वानी दिखाएगी कैसे लेते हैं, यहाँ पे खुद कोक उठाते हैं, खुद भरते हैं, थोड़ी सी आइस डालना ज्यादा नहीं, एक बूंद जिंदगी की वानी, वानी, वानी मेरे पे गिर दिया भाई, यहाँ से खुद पेप्सी भरनी होती है, यहाँ पे हमने पेप्सी डाल दी इसके अंदर, आ रही है सारी, गिर जाएगी ना, भूख लग रही है, पहले मैंने खाना खाया। अच्छा खाना तो ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीपल भाई ऑप्शन है यहाँ पे डालने का, ये देख सकते हो आप लोग, भाई सनकिस डाल रहा डाकर, ये फेंटा होती है यहाँ की, और भाई यहाँ पे पॉपकॉर्न होते हैं खुद उठाने होते हैं, यहाँ से उठा लो, ज्यादा छोटे छोटे नहीं है बच्चों के, वो छोटे छोटे से हैं, तो गर्म है कि नहीं? गर्म है, 2 उठा लेते हैं, ये बड़े वाले टब तो है ही नहीं वानी, छोटे छोटे ही है यहाँ पे भाई, खाना नहीं है क्या? डागर, डागर का छोटा, डागर किधर है? हमने भाई लिया एक्सट्रीम, सबसे बड़ी स्क्रीन होती है, और ये भाई भी है, डागर को देखना है मस्ती कर रहा है, क्या कर रहा बेटा ये अच्छा, वो ना पता है क्या किया है ये ना, यहाँ से पॉपकॉर्न उठा रही थी फिर ऐसे चले गए शुरुआत में, वो तो अच्छा है वो आगे वाली सीट पे नीचे जाते अरे नहीं फिर मैं भाई फाइनली मूवी खत्म हुई, कैसी लगी तुम दोनों को? बहुत अच्छी, मेरे को तो वन ऑफ द बेस्ट बॉलीवुड मूवीज है, क्योंकि कितनी देखी है? अच्छा तो एक ही देखी है इतने, इसलिए तेरे को कैसे लगी डागर? बाल लंबे और बॉडी वॉडी, वही बॉडी बनाने का मोटिवेशन आ गया शाहरुख खान को, जॉन अब्राहम को देख के ना, और वहाँ पे ना एक लड़की बार बार हमारे आगे से डाली थी, आ गया होगा किसी का फोन, मेरे जूते रखे थे गिरने वाली होगी थी वो। तो भाई फाइनली मूवी खत्म हो गई है, अगर मैं ऐसे फिल्म मेकर की नजर से बताऊँ तो पॉपकॉर्न वाली बताई तुमने, पॉपकॉर्न घुसते ही गिर गए, दूसरी बार डागर ने, तीसरी बार तुषार ने गिर गए उतरते टाइम। तो भाई मैं अगर फिल्म मेकर की नजर से बताऊँ तो VFX ना बहुत ज्यादा यूज कर रखे हैं, ठीक है, मतलब अनरियलिस्टिक चीज, समुद्र पूरा उन्होंने ग्लेशियर से जाम कर दिया, वहाँ बाइक के चला रहे हैं, क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रही भाई, बाकी वो उड़ा दिया जॉन अब्राहम को, शाहरुख खान को, उसमें वो विंग पे ना के मेरे को डॉक्टर ऑक्टोपस आ गया था भाई वहाँ पे, उन्होंने उड़ा दिया भाई। तो मूवी की स्टोरी मेरे को स्टार्टिंग में समझ नहीं आई थी, क्योंकि मेरी ऐसे लॉजिकल रीजनिंग मेरी वीक है शुरू से ही, पता नहीं वो यूज होती है कि नहीं, बट उधर लोगों से दरवाजा नहीं खुल रहा भाई वहाँ पे लगे हुआ, तो मूवी ओवरऑल अच्छी थी, मतलब वर्थ द वॉच थी, बोरिंग नहीं थी, वन टाइम वॉच थी, अच्छी लगी, जाके चेक करो, और अगर आप लोगों को वीडियो इतनी अच्छी लगी तो लाइक कर देना, गुजारिश है बहुत सब्सक्राइब करना, आपको लूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए फ्रॉम मेलबर्न बॉय। बोलो, प्लीज मेक योर वे टू द रजिस्टर्स एज़ द स्टोर विल बी क्लोजिंग। बोल दिया उसने, चलो